हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बेस्ट फेस सीरम, जो कि सर्दियों के लिए है। आपकी सर्दियों में स्किन खिंची खिंची, त्वचा बहुत ही टाइट हो जाती है और बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती है, आई लैशेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सूखा सूखा हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब इस सीरम को बनाने के लिए देखते हैं कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगी एक क्लीन बाउल, तो आपको एक क्लीन बाउल ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है ऑलिव ऑयल, तो ऑलिव ऑयल को फ्रेंड्स जैतून का तेल भी बोलते हैं, तो आप ये ज़रूर लें। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई सा भी आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। ऑलिव ऑयल होना चाहिए, तो ये जो होता है फ्रेंड्स आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी, आपकी जो एंटी एजिंग होती है, एंटी एजिंग में बहुत अच्छे से काम करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है आपकी स्किन को। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्पून ऑलिव ऑयल लेना है। और ये आपकी स्किन को बहुत ही, आपकी स्किन जहाँ से ड्राई होती है, आपकी लैशेस के पास से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है सर्दियों में, आपके फेस पर पूरे ड्राइनेस होती है, तो उसको बहुत ही अच्छे से दूर करता है ये। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ ले रही हूँ तिल का तेल, जो कि सिज़िम ऑयल है। तो तिल का तेल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तिल के तेल के अंदर एंटी माइक्रोबियल होता है और एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है बहुत ही अच्छे से। तो इस तेल की जो ख़ास बात है फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन को बहुत ही, आपके जो पोर्स होते हैं उसको क्लॉक कर देता है और आपकी स्किन को ब्राइट करता है और बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है ये आपके स्किन के लिए, जितना ये स्किन के लिए बेनिफिट है उतना ही ये खाने में बेनिफिट होता है फ्रेंड्स। तो ये आपको लेना है 2 चम्मच, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 चम्मच तिल का तेल और यहाँ पर मैं लूँगी 2 विटामिन ई कैप्सूल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 विटामिन ई कैप्सूल लेना है। विटामिन ई का तो आपको पता ही होगा, विटामिन ई हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेस्ट है। स्किन को ब्राइट करता है, फाइन लाइंस दूर करता है, डार्क स्पॉट दूर करता है आपकी, और पिगमेंटेशन जो होती है उसको भी दूर करने में बहुत ही मदद करता है। तो यहाँ पर मैं 2 विटामिन ई कैप्सूल लूँगी और ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा रहता है आपकी स्किन के लिए। यहाँ पर मैंने 1 डाल लिया है और अब मैं यहाँ पर दूसरा ले रही हूँ विटामिन ई कैप्सूल। और विटामिन ई कैप्सूल को लेकर आपको अच्छे से इसको अपने जो सीरम आप बना रहे हो विंटर्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सीरम है फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये और मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ विंटर्स में, और इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये 3 चीज़ें ली हैं और ये बहुत ही इजी तरीके से आपको कहीं से भी, वो आपकी पंसारी की शॉप पे बहुत इजी तरीके से मिल जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले रही हूँ चांदी का वर्क, आप देख सकते हैं इस तरह से, ये आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको कहीं से भी, किसी हकीम की शॉप से या किसी पंसारी की शॉप से कहीं से भी मिल जाएगा। आप बहुत ही हल्के हाथ से इसको, अपना हाथ ना लगाते हुए, नहीं तो ये हाथ पर चिपक जाता है फ्रेंड्स, बहुत इजी तरीके से आराम से इसको अपने जो आप सीरम बना रहे हैं उसमें आपको एक ये फॉइल पूरा डाल देना है। ये चांदी का वर्क है तो सिल्वर लीफ है ये फ्रेंड्स, तो ये आप अच्छे से इसको इसमें डाल के और अपने सीरम को रेडी कर सकते हैं। और ये जो चांदी का वर्क है इसमें आपको बहुत ही अच्छे से, ये जितना खाने में बेनिफिट होता है उतना ही आपकी स्किन के लिए बेनिफिट होता है। ये आपकी जो स्किन होती है उसको बहुत ही अच्छे से निखारता है और एक एक्सफोलिएट का काम करता है ये आपकी स्किन के ऊपर। तो ये सीरम में आप बहुत अच्छे से यूज़ करें, बहुत ही ईजी तरीके से मिलने वाली हैं आपको ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा सीरम रेडी है और ये मैं एक एम्प्टी बॉटल लूँगी और उसमें इसको खाली बॉटल लूँगी, कांच की लूँगी, आप कोई भी ले सकते हैं बॉटल। इसको आप 1 महीने के लिए बहुत ही इजी तरीके से अपने घर पर स्टोर कर सकते हैं और आप इसको रूम टेम्परेचर में ही रखें फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये आप अगर मेकअप से पहले लगाते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सफल और आपका जो बेस बनता है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बनता है। जिसकी हाई ड्राई स्किन होती है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसको एक बार पैच टेस्ट करके देख
लें उसके बाद इसको यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं ये इतनी बड़ी बॉटल बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल में, बहुत ही इतने कम पैसों में आपकी ये बहुत ही ईजी तरीके से आपके पूरे सीरम की बॉटल बन जाती है, जो आप नाइट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इसको मेकअप से पहले तो बहुत ही ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपने हैंड पर इसको मसाज करके कि ये मेरे स्किन के ऊपर कितने अच्छे से एकदम शाइन कर देगा, और मैं आपको हैंड पर भी ये मसाज करके दिखा रही हूँ और मैं आपको इसको अपने फेस पर भी करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स कि ये कितना ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है आपकी स्किन के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथ में फ़र्क, ये कितने अच्छे से इसने मेरी स्किन को मॉइस्चराइज किया है, क्योंकि ये टोटल ऑयल से बना हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो फ्रेंड्स इसको बहुत ही आप अच्छे तरीके से इसको यूज़ करें और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है इस तरीके से आप बनाएं, और ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है आपकी स्किन के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्मियों सर्दियों के लिए आपकी चिंता ही दूर हो जाएगी अगर आप इसको यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने फेस पर यूज़ करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यही बॉटल सेम लिया है और इसके मैं 2-3 ड्रॉप्स अपने फेस पर इस तरह से लगा लूँगी, और आप देख सकते हैं जो मैंने चांदी का वर्क डाला था वो मेरे फेस पर किस तरह से अप्लाई हो रहा है और एक शाइनिंग बहुत अच्छे तरीके से ये मेरे फेस को शाइन कर देगा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने फेस पर इसीलिए आपको अच्छे से अप्लाई करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ना लगे कि मैं अपने फेस पर इसको अप्लाई नहीं किया था, तो मैंने आपको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाया है ताकि आपको लगे, आपको दिखाई दे कि मैं अपने स्किन पर भी इसको यूज़ करती हूँ, तभी मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाती हूँ करके। पहले मैं अपने फेस पर यूज़ करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा अच्छी शाइनिंग हो रही है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सीरम है, बहुत ही अफोर्डेबल में और बहुत ही ईजी तरीके से आप बनाने वाले हैं अपने घर पर, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और सीरम अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, और अब बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।